पानी है जो गंगा भोले की नगरी में आप देख सकते हैं। जय बाबा भोले, जय बाबा भोले, जय बाबा भोले, बाल बाल भारत माता की जय, बाल 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 बाल। देख सकते हैं दोस्तों, सुधार लोग कितने ज्यादा जनसंख्या में भीड़ है, देख सकते हैं दोस्तों। सभी श्रद्धालु लोग भोले बाबा को जल अर्पण करने जा रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों देवघर का मेला। ये देखिए दोस्तों, ये रहा देवघर का मेला और ये रहा श्रद्धालु लोग जो जा रहे हैं जल अर्पण, जल अर्पण करने भोले बाबा को। बोल बम, ये देखिए दोस्तों कावर ऊस बना हुआ पूरा कावर, मेहनत सफल होने जा रहा है, आप देख सकते हैं। बोल बम बोल बम। अब हम भी दोस्तों अब निकलेंगे भोले नगरी, अब बाबा को जल अर्पण करने हैं दोस्तों। 3 दिन का मेहनत आज सफल होने जा रहा है दोस्तों। बाबा के शरण में जो जल लाए थे आज अर्पण करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है देवघर नगरी का मेला और यहाँ पे श्रद्धालु लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा जनसंख्या। जैसे कि आप जानते हैं कि मलेमास का दूसरा शुमारी है, फिर भी कितने ज़्यादा जनसंख्या में 200 श्रद्धालु लोग आए हुए हैं देवघर में बाबा के दर्शन करने। बन रही है वीडियो में, चलते हैं भाई आगे और चल के आपको बताते हैं कि शिव गंगा नदी जो है वो कैसे रावण ने उसको गंगा जी को बुलाया था, वो सभी चीज़ आपको बताएंगे और शिव गंगा नदी दिखाएंगे भी। बन रहिएगा वीडियो। जय भोलेनाथ। देख सकते हैं ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। और अभी हम शिव गंगा मंदिर पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं सामने पहुंच चुके हैं दोस्तों शिव गंगा नदी। और अगर आप सुल्तानगंज से जल उठा रहे हैं तो यहाँ शिव गंगा मंदिर के पास आके आपको संकल्प तुड़वाना होगा और तुड़वा कर तब बाबा को जल अर्पण करना होगा। अभी हम चलेंगे आपको बताएंगे सभी चीज़। देखिए दोस्तों ये रहा मेला, यहाँ पे गंगा जल का पूजा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से तब जाएंगे बाबा भोले की नगरी। ये देखिए दोस्तों, ये श्रद्धालु लोगों की भीड़। ये देखिए दोस्तों संकल्प हो रहा है यहाँ पे। जय बोल बोल बम 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 बोल बम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं शिव गंगा घाट और इस शिव गंगा नदी का एक मान्यता है कि दोस्तों जब रावण ने शंकर जी को प्रसन्न किए और तपस्या के बाद भी शंकर जी दर्शन नहीं देते हैं तो रावण ने जो मुक्का बांध के मारा था जमीन में तब ये गंगा जी प्रकट हुए थे। ऐसा मान्यता है दोस्तों कि जब रावण ने मुक्का बांध के धरती में मारा था तब ये गंगा जी प्रसन्न हुआ। उसी दिन से दोस्तों इस नदी का नाम शिव गंगा पड़ चुका है और आप देख सकते हैं। और अगर आप कहीं से जल भुजी करके आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर संकल्प तुड़वा कर शिव गंगा नदी पे तब आपको भोले बाबा पे अर्पण करने जाना होगा। ये आप देखिए दोस्तों ये रहा नदी। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ से भोले की नगरी और भोले की नगरी चल के आपको हम भोले बाबा का मंदिर बैद्यनाथ धाम का मंदिर दिखाएंगे।